कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास ये 5.1 और 6.1 बोर्ड है, इसी को आप 5.1 भी बोल सकते हैं, इसी को आप 6.1 भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम जो बूफर कनेक्ट करेंगे वो हमारा ये सेलकोन का बूफर है, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी लास्ट वीडियो में अपने। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इस बूफर के बैक पैनल को दिखाऊँ तो ये 90 mm का बूफर है, इसकी जो थिकनेस है वो 17 mm है, वोल्टेज 60 W है और इम्पीडेंस आपका 4 Ω है। ओके सो इस बूफर को हम इसके साथ टेस्ट करेंगे, कैबिनेट के अंदर लगा करके टेस्ट करेंगे। डोंट वरी रहिए, आपको बेस को पूरा पता लगेगा कि बेस कैसा आ रहा है। ओके सो दोस्तों इसके अंदर एक दिक्कत आती है जो बेस कनेक्ट नहीं कर पाते, वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ईजी तरीका बेस को कनेक्ट करने का, और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया भी है। ओके तो सबसे पहले बेस के अंदर 3 पिन आपको मिलता है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है ग्राउंड कौन सा है। अगर आपको ग्राउंड मिल जाता है तो ये हमारा वॉल्यूम है, ड्यूल मान लो इसे, क्योंकि ये डबल चैनल का यूज़ किया है मैंने। बेस के लिए आप सिंगल चैनल का यूज़ करना अच्छा रहेगा। 100K का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, 47K का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके सो सबसे पहले आप अगर आपको ग्राउंड पता लग जाए तो हमारा जो वॉल्यूम है, जो ड्यूल है, उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड को यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा। बाकी बीच वाले, अगर बीच में आपका ग्राउंड है तो उसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोनों को इधर उधर आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारा कनेक्शन मैंने ईजी से कर दिया है, और बाकी सारे वायर्स के अंदर लगे हुए मिलते हैं। ये हमारा बूफर है, ये हमारा बेस है, ये दोनों हमारे स्पीकर हैं, ये हमारा मेन वॉल्यूम है। वॉल्यूम के कनेक्शन भी मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मैंने इसमें जो ग्राउंड है, इसमें ब्लैक वाला इसका ग्राउंड है, इसमें बीच में ग्राउंड है और इसमें साइड वाला ग्राउंड था हमारा, ठीक है। तो बीच वाले को ग्राउंड को मैंने यहाँ पे देखिए दोनों पिनों को शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका भी बीच वाला ग्राउंड है तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो बोर्ड के अंदर से 2 वायर आ रहे हैं उसको मैंने बीच में कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा इनपुट वायर होता है और ये हमारा आउटपुट वायर होता है वॉल्यूम का, राइट साइड का दोनों। तो यहाँ पे हमने आउटपुट के लिए ये ब्लूटूथ का कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। बाकी हो गया हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन, काफ़ी ईजी है दोस्तों। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ये हमारा ट्रांसफार्मर का वायर है, तो इसके अंदर हम जो ट्रांसफार्मर मैंने आप लोगों को दिखाया था 12.0 वाला 5 एम्पीयर का, वो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके और इसका पूरा आउटपुट चेक करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 20-50 की 2 ICs लगी हैं जो कि आपके बूफर को ऑपरेट करेंगी। बाकी जो 3 ICs हैं वो 20-30 की लगी हुई है जो कि आपके स्पीकर को कनेक्ट करेगी। ओके सो दोस्तों यहाँ पे 3 ICs लगी हुई है स्पीकर के लिए, तो आप चाहे तो तीनों ICs पे एक एक स्पीकर चला सकते हैं कम लोड देने के लिए, और आप चाहे तो तीनों ICs पे दो दो स्पीकर भी चला सकते हैं। तीनों ICs पे जब दो दो स्पीकर चलाएंगे तो बोर्ड थोड़ा गर्म होगा। ओके तो चलिए जल्दी से ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इसका आउटपुट चेक करवाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर ली है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था दोस्तों, यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहे हैं स्पीकर वाले, इसमें जो ब्लैक वाला वायर है वो हमारा ग्राउंड का है, बाकी जो वायर है वो हमारे स्पीकर के हैं। तो जितने भी कॉमन होंगे आप ब्लैक में कनेक्ट करेंगे, और जितने भी आपके स्पीकर के वायर होंगे वो आप जो है एक एक करके सब में कनेक्ट कर देंगे। मतलब अगर आपको 4 स्पीकर कनेक्ट करने हैं तो चारों का एक वायर जो है, एक एक वायर एक साइड कनेक्ट करके आपको ब्लैक में कनेक्ट कर देना है, और चारों का जो एक एक वायर होगा वो एक एक करके सब में कनेक्ट करना है। ओके आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके अंदर सप्लाई देते हैं और इसे ऑन करते हैं। सो दोस्तों ये हो गया है कनेक्टेड हमारे फ़ोन से, और बोर्ड जो है वो पूरा ऑन हो चुका है। हमिंग आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी आई थिंक फुल ही है। सो यहाँ पे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हम प्ले करते हैं एक बार, यूट्यूब का नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं, क्योंकि बाकी गानों पे कॉपीराइट आ जाता है बहुत तगड़ा वाला, सो पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो यूट्यूब का हम कॉपीराइट नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हम प्ले करने वाले हैं। Thank you.
अभी तो मैंने आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करके दिखाया और आप लोगों ने देख लिया स्पीकर की जो पंच है वो कितनी तगड़ी आ रही है। ओके सो इसमें आप 60 से 70 वॉट तक का स्पीकर इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 50 वॉट भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि 50 वॉट ठीक रहेगा इसके लिए। बाकी ये 60 वॉट का है, ये भी काफ़ी अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, हीट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चलिए मैं आप लोगों को हिंदी सॉन्ग भी प्ले करके दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर डाल करके। कैमरा यहीं पर रहेगा, बाकी आप ईयरफोन का यूज़ करना, आप लोगों को और भी चीज़ें पता लग जाएंगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे ओनली वन स्पीकर कनेक्ट किया है, सोचिए जब यहाँ पे 5 या 6 स्पीकर कनेक्ट होंगे तो इसका आउटपुट कैसा हो सकता है। आप चाहे तो इसको घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर के लिए बेस्ट होगा ये बोर्ड। ओके और इसमें 60 से 70 वॉट तक का आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है इसके लिए कैपेबल नहीं होगा। ओके और आईसी भी ख़राब हो सकती है। बाकी हीटिंग इशू की बात करें तो नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हीट नहीं हो रहा और ओवरऑल बोर्ड ठीक है और ट्रांसफार्मर के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।